हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यूज जो आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो इसके पहले मैंने पार्ट वन डिस्कस किया है, और आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि 1 to 25 क्वेश्चंस मैंने पार्ट वन में कवर किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26, विच हैव द मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर, बेंजीन, आइस और क्लोरोफॉर्म। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर इज हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा गैस है जो वाटर में सोल्यूबल होता है रूम टेम्परेचर पे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किससे बोलते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द केमिकल यूज एज अ फायर इन फोटोग्राफी, सॉरी फिक्सर इन अ फोटोग्राफी, कौन सा केमिकल है जो फिक्सर इन अ फोटोग्राफी यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम थायसल्फेट। ये केमिकल है जो फोटोग्राफी में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 30, वाटर ड्रॉप्स आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ वॉट। वाटर ड्रॉप्स स्पेरिकल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, एस्पिरिन इज, एस्पिरिन क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसे हम एस्पिरिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज इन मेडिसिन एज एनेस्थेटिक इज, जो मेडिकल में एनेस्थेटिक यूज होता है, जो कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, वो कौन सा होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, वी आर यूजिंग एज ए एनेस्थेटिक इन मेडिकल। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। इनमें से कौन से मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के प्राइमरी कंपोनेंट कौन से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 37, द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फेरस। फेरस आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सा गैस यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेंड इन अ फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉक, फोटोकेमिकल स्मॉक के फॉर्मेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओजोन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स, सिगरेट लाइटर्स में कौन सा गैस यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस यूज होता है इन सिगरेट लाइटर्स। क्वेश्चन नंबर 42, बायोगैस मेजरली कंटेंस, बायोगैस में मेजरली क्या कंटेंस होता है? इट कंटेंस मिथेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, द न्यूक्लियर पार्टिकल विच आर एज्यूम्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टूगेदर आर, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मेसॉन्स बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज, कौन सा मेटल यूज होता है इन एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निकेल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा मिलने वाला अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 47, द ओर विच इज फाउंड इन अबंडेंस इन द इंडिया इज, कौन सा ओर है जो इंडिया में ज्यादा मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है मोनाजाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू व्हाट,
जो मेटल को लस्टर होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, सबसे मेलेबल कौन सा मेटल होता है? इसका आंसर है गोल्ड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म परमानेंटली बाय द हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड. ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे हम परमानेंटली डिफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग हीट एंड प्रेशर? उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मोसेट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थर्मोसेट. सो ये रहे केमिस्ट्री का पार्ट टू. मैंने पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. सो पार्ट टू के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वन की लिंक मिल जाएगी. अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखिएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फर्स्ट फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू. अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच.